तो फाइनली दोस्तों विंडो 10 के बाद जो है विंडो 11 लॉन्च होने वाली है। यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे हम विंडो 11 को जो है ऑपरेट करने वाले हैं, क्या क्या इसमें नई चीजें मिलने वाली हैं और क्या चीजें जो है यहाँ पे बदली गई हैं। लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने जो है 2016 में जो है विंडो 10 को लॉन्च किया था, मगर काफी टाइम से हम इसको चला रहे थे और काफी लोग जो है इससे बोर हो चुके थे। तो अब फाइनली जो है विंडो 11 यहाँ पे आ चुका है, हमें सारी चीजें नई मिलने वाली हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि यहाँ पे जो आगे आने वाले जो पीसी या लैपटॉप होंगे उसके अंदर जो है विंडो 11 जो है इनबिल्ड आएगी। तो विंडो 10 यहाँ से हटने वाली है। यहाँ पे वैसे हमें फाइनली जो है टाइम दे चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले की 2025 तक जो है आप विंडो 11 अपग्रेड कर ले, उसके बाद जो है विंडो 10 सपोर्ट करना बंद कर जाएगी। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट के जरिए बताइए कि आपको विंडो 11 कैसी लगी और इसके क्या क्या फीचर जो हैं आपको अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होने वाला है हमारा इस विंडो का स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू को जो है पूरा ही चेंज कर दिया गया है। इसका जो पूरा ओवरव्यू है, लेआउट जो है पूरा ही चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे स्टार्ट मेन्यू के फीचर या डिजाइन को। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट मेन्यू जो है सेंटर में आ चुका है। पहले क्या होता था कि विंडो के साइड में यहाँ पे कोने पे जो है हमारा स्टार्ट मेन्यू आता था, मगर अब जो है टास्क बार में जो है हमारा जो है विंडो का आइकन जो है बीच में रख दिया गया है, मतलब कि स्टार्ट मेन्यू का आइकन जो है सेंटर में रख दिया गया है। वैसे तो हम इसको जो है लेफ्ट साइड में भी अलाइन कर सकते हैं, मगर अब कोई नई चीज आई है तो उसको थोड़े दिन तो हमें चलाना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो है सेंटर में सारे मेन्यू कर दिए गए हैं। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल ग्लास इफेक्ट लग रहा है, ट्रांसपेरेंट, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये चीज। और देखेंगे आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू बिल्कुल टास्क बार से जो है टच नहीं है, थोड़ा सा फ्लोट हो रहा है। और यहाँ पे जो साइड के एजेस दे रखे हैं, कॉर्नर जो दे रखे हैं, वो राउंडेड हैं। पहले क्या होता था साइडों से स्क्वायर होते थे, मगर अब जो है राउंडेड कॉर्नर लाया गया है। और यहाँ पे पीछे जो साइडों का इफेक्ट आ रहा है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे जो मेन्यू आता था वहां पे जो है, अब यहाँ पे टाइल वाला मेन्यू पहले आता था, टाइल स्क्वायर वाला जो विंडो 10 या विंडो 8 में आता था। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा टाइल वाला मेन्यू नहीं आएगा, जो फालतू चीजें थी वो यहाँ से बिल्कुल ही हटा दी गई हैं। यहाँ पे क्या है कि जो भी आपको अगर एप्लीकेशन बार बार ज्यादा यूज हो रही है वो एप्लीकेशन यहाँ पे जो है आप सामने ही पिन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एंड्रॉइड में हमारा एप्लीकेशन मेन्यू आता है, वैसे यहाँ पे जो है हमारा ऐप मेन्यू भी आएगा। और नीचे आपको दे रखा है कि आपने हाल ही में क्या यूज किया था, वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर आपको सारे एप्लीकेशन देखने हैं, वैसे तो कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, अगर आपने सारे ही एप्लीकेशन यहाँ पे देखने हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ऐप पे जाना होगा। यहाँ पे ऑल ऐप पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे के सारे मेन्यू जो पहले विंडो 10 के स्टार्ट मेन्यू पे आता था वो यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है, पहले बाहर ही आता था। तो यहाँ पे जो है कई सारी चीजें जो हटा दी गई हैं और कई सारी जो नई चीजें हैं वो यहाँ पे लाई गई हैं, जिससे जो है हमारा स्टार्ट मेन्यू जो है काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा लाइट वेटेड है। पहले क्या होता था, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते थे तो कम से कम 30 सेकंड या 15-20 सेकंड जो है वेट हमें करना पड़ता था। यहाँ पे हमें क्लिक करते ही जो है मेन्यू यहाँ पे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा यूजर अकाउंट का नेम था वो पहले ऊपर की तरफ कहीं आता था, अब यहाँ पे जो है हमारे को नीचे ही यहाँ पे यूजर अकाउंट नेम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है साइन आउट, लॉक और यूजर प्रोफाइल चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है कि आपको लॉक सेटिंग या जिस पे भी जाना है वहां पे आप जा सकते हैं। और कोने पे आपका फाइनली एक बटन बना हुआ है जिसे कहते हैं हम पावर बटन, जिस पे आप जो है रिस्टार्ट, शटडाउन या स्लिप का ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे शटडाउन भी जो है काफी ज्यादा फास्ट हो जा रहा है, क्योंकि विंडो में से जो काफी ज्यादा हैवी चीजें थी यहाँ से हटा दी गई है और उस विंडो को जो है लाइट वेटेड बनाया गया है। कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वहां पे जो है आपका वो प्रोग्राम जो है हाल ही में एकदम से टिक करते ही काम करने चालू कर देगा। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा ये स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन। यहाँ पे अगर हाँ आपने कोई भी एप्लीकेशन जो है बाहर रखनी है, यहाँ पे हमारी कुछ एप्लीकेशन पहले से बाहर रखी हुई है, मगर कोई एप्लीकेशन जो आपको ज्यादा यूज में आ रही है वो आप जो है बाहर भी रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑल ऐप पे आ जाइए। आपको जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे चाहिए, जैसे कि हमें फोटोशॉप यहाँ पे यूज करते हैं तो हमें फोटोशॉप बाहर चाहिए, तो यहाँ पे आप फोटोशॉप पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिन टू स्टार्ट आ रहा है वहां पे आपको क्लिक करना होगा।
जब आप पिंटो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे बैक आ जाते हैं, वहां पे हमारा जो है एक और मेन्यू नीचे आ जाएगा जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे रखते जाएंगे वहां पे जो है उतना ही मेन्यू नीचे बढ़ता जाएगा। एक तो ये फीचर आपका स्टार्ट मेन्यू पे पहले था, मगर थोड़ा सा और अच्छा कर दिया गया और एक फीचर और ऐड किया गया। जैसे कोई एप्लीकेशन यहाँ पे आपको जो है ज्यादा यूज करने वाली थी और उसको आपको जो है टॉप पे रखना है। अब जैसे मेरा फोटोशॉप जो है सबसे लास्ट में आ रहा है, मुझे जो है इसको यहाँ पे टॉप पे रखना है, तो यहाँ पे मैं इस फोटोशॉप पे जो है राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको जो है मूव टू टॉप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मूव टू टॉप पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए वहां से जो है फोटोशॉप वाला आइकन हट गया है और वो सबसे टॉप पे पहुंच चुका है। तो जो भी आपको यूज ज्यादा हो रहा है वो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए, मूव टू टॉप पे जाइए और जो है हमारा एप्लीकेशन जो है टॉप पे आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे स्टार्ट मेन्यू का फंक्शन। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर टू पे। तो पॉइंट नंबर टू है हमारे डेस्कटॉप के आइकन और कई सारे ऑल आइकन। यहाँ पे सारे के सारे आइकन जो है पहले जो आते थे वो सारे के सारे चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको दिस पीसी नेटवर्क ये सब भी के आइकन जो है चेंज मिलेंगे। अगर हम दिस पीसी पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको अंदर जो है जितने भी आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे एक नए डिजाइन में हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे को जो है स्टार्ट मेन्यू पे भी जो भी हमारे नीचे आइकन आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे जो स्टार्ट मेन्यू का आइकन था वो तक चेंज हो चुका है और बाकी जितने भी आइकन हैं हमारे चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ आइकन जो है एनिमेशन भी दिखाते हैं, जैसे कि हमने कोई भी चीज ओपन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइल मैसेंजर ओपन किया या फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया, तो जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रहे हैं तो वो ब्लिंक कर रहा है और जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे भी फाइल एक्सप्लोरर जो है ऊपर नीचे ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ कि हमने जब इसको ओपन किया और जब इसको मिनिमाइज किया तो वो जो है ऊपर नीचे एनिमेशन दे रहा है। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर हम खोल लेते हैं और उसको मिनिमाइज करते हैं तो वो भी जो है हमारा ऊपर नीचे एनिमेशन यहाँ पे हमें दे रहा है। तो कई सारे आइकन जो है यहाँ पे पूरा आइकन सेट ही जो है पूरा चेंजेस कर चुके हैं। बस एक माउस पॉइंटर में जो आइकन था वही सेम है, बाकी सारी चीजें जो है हमारी बदल चुकी हैं। पॉइंट नंबर थ्री है हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है काफी चेंज तो नहीं हुआ है मगर पहले से ज्यादा काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। यहाँ पे अगर हम पहले किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे हम खोलते थे तो वहां पे जो है हमारा मेन्यू जो है काफी देर में लोड लेता था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हम जब ओपन करते थे तो काफी ज्यादा लोड लेता था। यहाँ पे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करेंगे, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो वहां पे सीधे जो है जितनी भी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर में रखी गई है वो सारी सामने हमारे पास आ जाएंगी। अब आ जाते हैं हमारे चौथे ऑप्शन पे टास्क बार सेटिंग्स पे। तो टास्क बार सेटिंग्स पे हमारा क्या है कि पहले जो था कि हम टास्क बार पे राइट क्लिक करते थे तो एक पूरा मेन्यू यहाँ पे आ जाता था, मगर अब यहाँ पे सिर्फ टास्क बार सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो टास्क बार सेटिंग से होगा क्या पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो टास्क बार सेटिंग पे हम जाते हैं, यहाँ पे जब हम टास्क बार सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा हमें टास्क बार अलाइनमेंट। टास्क बार अलाइनमेंट में क्या है कि हमारा जो ये स्टार्ट मेन्यू का जो नीचे का पोर्शन जो सेंटर में आ रहा है उसे हम जो है पहले की तरह लेफ्ट साइड में भी ले जा सकते हैं। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेंटर की जगह लेफ्ट अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है हमारा स्टार्ट मेन्यू चला गया है। तो ऐसे जो है हम अपने स्टार्ट मेन्यू को वापस सेंटर में भी ला सकते हैं और लेफ्ट साइड भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन पहले आता था कि स्टार्ट मेन्यू को फुल स्क्रीन पे ला सकते थे, मगर अब स्टार्ट मेन्यू क्या है छोटे से एरिया में ही आएगा। पहले उसको जो है एक टैबलेट मोड का ऑप्शन दे रखा था, वो यहाँ से फाइनली हटा दिया है क्योंकि वो हमारे यूज का था नहीं। वो ज्यादातर टच टैबलेट या पीसी में ही काम आता था, मगर हम जो है नॉर्मली टच वाला तो चलाते नहीं है। बिना टच के ही जितना डिस्प्ले हम चलाते हैं उसमें हमारे को वो काम आता नहीं है, तो वहां से वो उस चीज को भी हटा चुके हैं। बाकी यहाँ पे जो है आपको अगर अब जैसे कि टास्क मैसेंजर खोलना है या कोई भी सेटिंग करनी है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो मेन्यू आपका टास्क बार पे आता था अब वो यहाँ पे आपके स्टार्ट मेन्यू के राइट क्लिक करने पे आएगा। तो यहाँ पे टास्क मैसेंजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको ओपन करेंगे। ये तो लगभग वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, मगर आप देखेंगे कि हर मेन्यू में साइड के एजेस जो है राउंडेड कर दिए गए हैं। पहले स्क्वायर की तरह आते थे तो थोड़ा सा अजीब लगता था, मगर राउंडेड रख दिए गए हैं तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़,
तो यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू पे बाकी सारी सेटिंग जो है मिल जाएगी। यहीं पे आपको जो है शटडाउन और साइन आउट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप शटडाउन स्टार्ट मेन्यू ओपन नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करके भी जो है शटडाउन या रिस्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी चीजें दे रखी हैं, आपके पास जब विंडो 11 आएगी तो आप उसमें से देख सकते हैं। बाकी मैं आगे जाके और भी वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसमें सारी सेटिंग मैं आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल में। तो मैं इसको वापस सेंटर में ले आता हूँ क्योंकि नई चीजें तो थोड़ा सा चला के अच्छा लग रहा है। अब आ जाते हैं हमारे पांचवे पॉइंट पे। यहाँ पे हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि हमारा जो है ये थीम जो फ्रंट में डिस्प्ले आता है सबसे मेन क्या होता है वहां पे हमारा थीम। तो थीम पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन लाए गए हैं नहीं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को ये वॉलपेपर जो हमारा दिखाई दे रहा है वो काफी डायनेमिक है, काफी उभरा हुआ लग रहा है, जैसे 3D वॉलपेपर टाइप होता है वैसा ही यहाँ पे लग रहा है। जब हम किसी भी मेन्यू को खोलते हैं जैसे कि स्टार्ट मेन्यू को खोल रहे हैं तो वहां पे जो ग्लास इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो हमारे थीम की वजह से ही आ रहे हैं। यहाँ पे वैसे तो ये मैंने डार्क मोड पे दे रखा है, वैसे इसका लाइट मोड भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइजेशन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है सिंपली थीम पे जाना है और यहाँ पे आपको जो है पांच छह तरह के थीम मिल जाएंगे। अभी तो मैंने डार्क थीम का रखा है जिसमें वॉलपेपर के बैकग्राउंड का जो कलर है वो डार्क है। यहाँ पे हमें लाइट विंडो भी मिल जाएगा, तो हमने विंडो लाइट पे क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टास्क बार का कलर, बैकग्राउंड का कलर पूरा ही जो है व्हाइट हो गया है। और अब जो ग्लास इफेक्ट होगा वो ब्लैक वाले से थोड़ा सा हल्का होगा क्योंकि इसमें प्योर व्हाइट दे दिया गया है, ना कि ग्लास इफेक्ट इसमें ज्यादा दिया है। तो वैसे तो आप और भी कोई चीजें ले सकते हैं या आप डायरेक्टली जो है माइक्रोसॉफ्ट के उससे जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं और थीम को। जैसे मैंने यहाँ पे ग्लो वाला ऑप्शन भी और लगाया है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। वॉलपेपर तो सिंपल है मगर इसका जो बैकग्राउंड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ग्लास इफेक्ट में। हर जगह पे हम कोई भी मेन्यू खोल लें, ऊपर का जो मेन्यू है हमारा वहां पे जो है पूरा इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे हम एक्शन सेंटर खोलेंगे तो उसमें आपको इफेक्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बदली गई हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन। अब ये विंडो 11 है क्या चीज? विंडो 11 जो है बेसिकली विंडो 10 एक्स का जो है नाम बदल के यहाँ पे लाया गया है। विंडो 10 आप जो अभी तक चला रहे थे उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके एक लाइट वेटेड वर्जन पे विंडो 10 एक्स को लाया जा रहा था जो कि टैबलेट के लिए बनाई जा रही थी, टैबलेट या टच स्क्रीन मॉनिटर के लिए यहाँ पे बनाई जा रही थी। मगर क्या हुआ कि वो लगभग सिमिलर हो रहा था तो उन्होंने थोड़ा सा 10 एक्स को चेंज करके विंडो 11 नाम दे दिया और यहाँ पे पूरा लेआउट हमें यहाँ पे चेंज करके जो है विंडो 10 एक्स को विंडो 11 में दे दिया। अब हमें चेक करना हो कि विंडो 10 है या विंडो 11 है या विंडो 10 एक्स है तो उसके लिए आपको सिंपली जो है सेटिंग पे जाना है। तो यहाँ पे जब आप सेटिंग पे आ जाएंगे तो सेटिंग पे आपको जो है अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको OS बिल्ड इन्फो मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे नीचे जो है आपको विंडो के स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं जिसमें एडिशन जो है विंडो 11 प्रो दे रखा है। वैसे तो इसको मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही इंस्टॉल कर लिया था मगर इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए वीडियो बनाने में जो है काफी टाइम लग गया मुझे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है विंडो 11 में दी गई हैं। बाकी अभी ये इसको जो है इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पे जो है इसको UEFI मोड पे डाला जा रहा है ना कि लेगेसी मोड पे। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि विंडो में लेगेसी मोड या UEFI मोड क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि लेगेसी मोड पे आप किसी भी विंडो को नॉर्मल वे पे डाल सकते हैं मगर UEFI मोड पे क्या होता है कि यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो पूरा डाटा होता है वो पहले क्लीन करना पड़ता है कि पूरा डाटा क्लीन होगा तब उसे UEFI मोड पे जो है हमारी विंडो डालेगी। और UEFI मोड जो है थोड़ा सिक्योर है लेगेसी मोड से क्योंकि यहाँ पे लेगेसी मोड को जो है हम एक सिक्योरिटी तोड़ के ही वहाँ पे विंडो को डाल रहे हैं। UEFI मोड पे डायरेक्टली उसकी सिक्योरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है तब हमारी यहाँ पे विंडो डलती है। और विंडो 11 जो पूरी सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा अपडेट कर चुकी है और यहाँ पे हम जब विंडो डालते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें दिक्कतें आने वाली हैं। इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी कि कैसे कहाँ से विंडो 11 डाउनलोड करनी है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आने वाली हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें जो मैं इस वीडियो में आने वाली वीडियो में देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।